अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड वेलकम टू स्पार्की डिज़ाइंस। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं आज़रबाईजान में आतशगाह। बाकू से आतशगाह और यनारदाग जाने के लिए मल्टीपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। आप अपनी कार भी हायर कर सकते हैं और बस के ज़रिए भी जा सकते हैं। एक बार जब आप आतशगाह पहुंच जाएंगे तो वहां पे जो आप टिकट लेंगे उसमें आपके पास कॉम्बो टिकट की भी ऑप्शन है जो कि 11 मानत की है। इसमें आप आतशगाह भी जा सकते हैं और यनारदाग भी एक ही टिकट पे आप दोनों जगहों पे जा सकते हैं। चलिए पहले आपको इसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताते हैं। ये एक किला नुमा मंदिर था जिसमें हिंदू, सिख और ज़ोरोएस्ट्रियन आग की पूजा किया करते थे। ये मंदिर 17 ईस्वी में बनाया गया था और 19 ईस्वी तक यहाँ पर इबादत की जाती थी आग की। उसके बाद ये बंद कर दिया गया और फाइनली 1975 में इस किले को, इस मंदिर को अजायब घर की शक्ल में बदल दिया गया। 1998 में इसको लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया गया और इसको एक हिस्टोरिकल आर्किटेक्चरल रिज़र्व के तौर पर आज़रबाईजान में महफूज कर दिया गया है। मेन मंदिर के दरमियान में एक बड़ा आतशगाह बनाया गया है जहाँ सब इकट्ठे होकर आग की पूजा किया करते थे। आतशगाह की सराउंडिंग्स में आपको बहुत से छोटे छोटे कमरे नज़र आएंगे जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये पुजारियों के लिए थे और यहाँ पर आकर लोग उस वक्त के हकीमों से इलाज भी करवाया करते थे। इनमें से कुछ कमरे बंद हैं और कुछ कमरे खुले हैं। आइए देखते हैं कि खुले कमरों में क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। यहाँ पर कुछ पुराने बर्तन रखे गए हैं नुमाइश के लिए। हमने बहुत से कमरों का विज़िट किया जो ओपन थे, उनमें से किसी में नवाजरात रखी गई थी और कुछ कमरों में उनकी पुरानी तहजीब के बारे में मालूमात थी और कुछ में पुरानी हिस्ट्री बताई गई थी। आइए हम आपके साथ चलते हैं और इन सारे कमरों का जायज़ा लेते हैं। Thank you.
लें जी, हमारे आतिशकदा का ट्रिप भी मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपको ज़रूर मज़ा आया होगा और नई चीज़ें देखकर आपको अच्छा लगा होगा। हमें बताते रहिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट्स दीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ जल्द ही आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।